मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। और आज है महानवमी। जी हाँ, आज नवमी है और हम लोगों की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने पिछले शॉपिंग में जो टी शर्ट लिया था बेटे के लिए, वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो हम लोग उसे रिटर्न करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर शाम को घूमने जाना है तो शाम को टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसे पहले रिटर्न कर देते हैं, नया टी शर्ट है, ज़्यादा दिन घर पर रखेंगे। तो वैसे तो जान पहचान के शॉप से ही लिया है, तो कितने दिन भी बाद जाएँगे तो हो जाएगा, बट अगर रिटर्न करके ले आते हैं तो वो एक दिन घूम सकता है पहन के उसे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले उसे रिटर्न कर देते हैं। और पैर की हालत तो ज़बरदस्त ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग दोपहर में 2-3 बजे निकलते हैं घूमने और रात के 2-3 बजे आते हैं। इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, कंटिन्यू चलना, ऊपर से उतनी बड़ी मूर्ति को देखने के लिए रुकना उस भीड़ में, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है। ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यार अनकंडीशनल भीड़ रहती है, क्या करें। तो देखते हैं, बच्चे लोग भी, पैर दुख रहा है लेकिन जाने के लिए भी सब रेडी है कि नहीं, घूमने जाएंगे। और रही बात मम्मी की, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जब हम लोग मायके आए हैं तो मम्मी क्यों नहीं जा रही है साथ में, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी मम्मी ट्रेन से जाना अवॉइड करती है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर ट्रेन से नहीं जा सकती, उसे ट्रेन लगता है, जी हाँ, उसे वॉमिटिंग होने लगती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो मम्मी बोलती है कि मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो लोकल में इधर उधर घूम लेती है 2 दिन। आज हम लोगों के साथ मम्मी जाएगी, आज नवमी है, जी हाँ, हम लोग लोकल एरिया घूमने वाले हैं, तो आज मम्मी भी हम लोगों के साथ जाएगी, तो अपने एरिया में वो घूमेगी। ऑटो वगैरह से जितना ट्रैवल है वो कर सकती है, ट्रेन से ज़्यादा दूर नहीं जाती है। और कोलकाता मतलब लोकल ट्रेन सस्ता होता है, भले थोड़ा डिफिकल्ट होता है भीड़ में चढ़ना, बट इतना जगह घूमना रहता है, इतना भाड़ा कौन देगा यार। एक आदमी का 100-200 रुपया लगता है, कहाँ कहाँ घूमना है, इतना भाड़ा कौन देगा। ऊपर से नो एंट्री रहता है तो आपको आधे रास्ते में उतार देगा, पैसा फुल ले लेगा और आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए ट्रेन जिंदाबाद पूजा घूमने के लिए, तो मम्मी नहीं जा पाती है, लेकिन उसको आज लेके हम लोग जाएंगे लोकल घूमना है, तो आज वो हम लोगों के साथ जाएगी और आज मेरा बेटा भी जाएगा। भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं कि हम बेटा को अकेले ही लेके जाते थे। और घर पे जब मम्मी लोग रहती है, भाई है, तो पॉसिबल जब है कि उसको घर पे छोड़ के जा सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना भीड़ में लेके जाने की। इसलिए हम लोग उसे घर पे छोड़ के जाते थे, बट आज वो भी जाएगा और लोकल घूम चुका है, उससे कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज का दिन कैसे बीता और कहाँ कहाँ घूमते हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। पहले चलते हैं शॉप एक्सचेंज कराने। अरे तेरा लूज भी पहने। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि हम लोगों को लस्सी पीने का मन कर गया, तो हम लोगों ने कपड़ा एक्सचेंज कराने के बाद लस्सी इंजॉय किया। और मुझे वहीं पे गोला भी दिख गया उनकी शॉप में, तो मैंने दी को बोला कि दी मुझे गोला भी खाना है, तो दी ने बोला कि ठीक है ले ले खा लो। तो बहुत दिनों के बाद मैंने गोला इंजॉय किया, मतलब बहुत दिनों के बाद। और ये देखिए, घर आने के बाद मम्मी ने खाना बना के रखा हुआ था और ये माँ के हाथों का खाना हम दोनों खा रहे हैं। माँ जी का कॉल आया था तो उससे उनसे बात भी कर रहे थे और साथ में हम लोग खाना भी इंजॉय कर रहे थे। ये कहाँ मिलता है यार पटना में, ये प्यार कहीं नहीं मिल सकता है, इसको मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है हम लोग जब कोलकाता आते हैं माँ के पास। एवरीवन, हम लोग वापस आ चुके हैं रेडी वेडी होके, और आज मैंने जो बर्थडे के दिन ड्रेस वेयर किया था वही किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे कि आपको पता है ही। और आज साथ में मम्मी भी है और बाकी जो रोज़ सब जाते हैं, बेटा भी है, बट बड़ा वाला बेटा उसे लेके गया है आगे, तो उसे मैं आपको बाद में मिलाती हूँ। और लग रहा है कि बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है आज, पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। चलिए निकल चुके हैं हम लोग पूजा घूमने के लिए रोज़ की तरह, देखते हैं आज घूम पाते हैं कि बारिश में अटक जाते हैं। तो बने रहिए और पूजा का मज़ा लीजिए हम लोगों के साथ आप भी। ये तो ऑन किए हैं, लास्ट टाइम
যে সকল দর্শনার্থীরা বাড়ি নিয়ে আমাদের প্রতিমা দর্শন করতে এসেছেন তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা পূজারীগুলি নিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যায়ে থেকে আজকে মহানবমীতে তুফান সহ আপনাদের সমস্ত জানাই অনেক অনেক শরণীয় থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন, অনেক অনেক শরণীয় থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনারা আমাদের এই বছরে আমাদের পূজা মণ্ডপের সামনে পাঁচিলের ধারে যারা গাড়ি রাখছে তাদের কিন্তু আমরা বারবার করে ঘোষণা করছি যে আপনারা পূজা মণ্ডপের ধারে পাঁচিলের গায়ে রাস্তাটা খুবই সরু, অতএব এখানে গাড়ি পার্কিং করবেন না। যারা কল্যাণী হাইওয়ে রোড ধরে কুন্ডু বাড়ি দিয়ে আমাদের পূজা মণ্ডপের দিকে অতিক্রম করে আসছে, পূজা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছেন, আমাদের পূজা মণ্ডপের পূর্ব দিকে যে গলি আছে বাবুকে দেখে যাও দে যাও, আরে সুপ্রিয়া আছে কেসে যায়গি যাও দেখে যাও তুমি এদিকে দাগা
অপরকে দেখা পূজো করবে ये क्या बनाया किसान है ना हम लोगों को रास्ते पे स्मोक बिस्किट खिलाने वाला दिखा कि वहाँ पे सब लोगों को खिला रहा था, तो मेरे बेटे ने और मैंने ट्राई किया और मेरा बेटा का देखा कि कितना अच्छा वो धुआं निकाल रहा था और मैं इसमें पोपट थी एकदम, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे तो हंसी ही आ गई। तो मेरा इतना अच्छा नहीं निकला था, बट हाँ बेटा का बहुत ही अच्छा निकला था। Thank you.
ही ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, सच में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। बाकी सब लोग फुचका खा रहे हैं बट मैं नहीं खाऊंगी, मेरा अच्छा नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही जो कुल्फी वगैरह खा लिया, बिस्कुट वगैरह खाए, नूडल्स, उससे मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है और बहुत रात हो चुकी है। रात के अब सुबह होने वाले, मतलब 12 तक अब के बज ही चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। पैर पूरा जवाब दे चुका है, तो मैंने बोला आप लोग इन्जॉय करो फुचका, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ तब तक यहाँ बैठ के। उसके बाद अब बिना कुछ सोचे हम लोग घर जाएंगे। तो गला पूरा बैठ चुका है, आप हालत देख ही सकते हो, और पैर भी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। अभी भी बहुत घूमना बाकी है बट अब हम लोग नहीं घूमे, बहुत थक चुके हैं आज। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे बारे में और जानने के लिए मुझे फॉलो करना, मेरा सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो बस बने रहिए, गुड नाइट, और नवमी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।